नमस्कार है पेंट वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैदित पेंट वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2023 की स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, इसके रिगार्डिंग मैंने आरटीआई लगाई थी तो उसका रिप्लाई आ चुका है। उसके बारे में बात करेंगे, स्टेट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कितनी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो कब तक आपसे भराया जा सकता है, कितना और आपको इंतजार करना पड़ सकता है, उसके अलावा आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, सभी पॉइंट पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये आरटीआई देख पा रहे होंगे, आरटीआई का जो रिप्लाई है वो एसएससी के द्वारा आ गया है। मैंने 20/1/2024 को आरटीआई लगाई थी। मैंने पूछा था कि एसएससी सीएचएसएल 2023 में स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, उसका डाटा प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। तो 5/2/2024 को इसका रिप्लाई आ चुका है। एसएससी ने देखिए क्या जवाब दिया है। वैकेंसी पोजिशन ऑफ द कंसर्न्ड एग्जामिनेशन इज अवेलेबल इन द नोटिस कैंडिडेट्स कॉर्नर आर द वेबसाइट ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी डज नॉट कलेक्ट स्टेट वाइज, रीजन वाइज, जोन वाइज, सिटी वाइज वैकेंसी इन दिस एग्जामिनेशन। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि वैकेंसी ओवरऑल आप जो हैं वो एसएससी की साइट पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाके। बाकी इन एग्ज़ाम में जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जो है वो रीजन वाइज, जोन वाइज, स्टेट वाइज और सिटी वाइज वैकेंसी का जो डाटा है वो कलेक्ट नहीं करती। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे पता कर सकते हैं। इसका एक ही जुगाड़ है कि हमको डिपार्टमेंट वाइज जो है वो वैकेंसी के रिगार्डिंग आरटीआई लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो हम वो भी कर देंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल वैकेंसी कितनी है उसके लिए आप ये पीडीएफ देख सकते हैं। मैंने कई बार इसको आपके बीच में शेयर किया है, तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 1762 है। बाकी कुछ स्टेट वाइज वैकेंसी का डाटा मुझे मिला है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एलडीसी ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसेस ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन। ये सेंट्रल वाटर कमीशन की आपकी वैकेंसी है स्टेट वाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है, ये आपकी मेघालय में कितनी है, 2 वैकेंसी हैं, असम में कितनी वैकेंसी हैं, 1 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 4 वैकेंसी हैं, कर्नाटका में आपकी 3 वैकेंसी हैं, तेलंगाना में आपकी 4 वैकेंसी हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में आपकी 1 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा नागपुर, ये पुणे महाराष्ट्र में आपकी 1 वैकेंसी है और नागपुर महाराष्ट्र में आपकी 2 वैकेंसी है। ये आप देख सकते हैं पूरी इसकी डिटेल दी हुई है। ओवरऑल इस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो 17 वैकेंसी, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट है, सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। इसकी जो स्टेट वाइज वैकेंसी है उसका डाटा आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और डिपार्टमेंट की आप वैकेंसी देख पा रहे होंगे, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है, गुवाहाटी में अगर हम बात करें तो ओवरऑल 3 वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओबीसी की कितनी है और अदर जो कैटेगरी हैं उनकी कितनी है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 1 वैकेंसी है केवल। उसके अलावा तमिलनाडु एंड पुदुचेरी में आपकी 1 वैकेंसी है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में 4 वैकेंसी हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 वैकेंसी हैं, उत्तर प्रदेश में 2 वैकेंसी, ओवरऑल इस डिपार्टमेंट में 13 वैकेंसी हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, इनकी मिनिस्ट्री भी अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे बेंगलोर में अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं बेंगलोर में यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं, ठीक है। उसके अलावा चेन्नई में अगर बात करें तो 3 वैकेंसी हैं, हैदराबाद में अगर बात करें तो 3 वैकेंसी हैं, ओवरऑल जो वैकेंसी हैं वो 10 वैकेंसी। ये भी जो कंप्लीट ये डाटा है, ये पीडीएफ जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो इतना ही डाटा जो मुझे मिला है वो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। बाकी डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी पोस्ट प्रेफरेंस आएगा तो उसमें अगर कुछ पोस्ट कोड या पोस्ट चेंज होती हैं तो उसके हिसाब से मैं एक बार आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। अगर हम बात करें पोस्ट प्रेफरेंस कब तक आ सकता है, चूंकि ये बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, उम्मीद थी कि बहुत जल्द ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है भरा लेंगे। उम्मीद है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बाकी उम्मीद हम करते हैं कि 15 फरवरी तक ये पोस्ट प्रेफरेंस जो है इन्हें भरा लेना चाहिए। 15 फरवरी तक
पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म है वो इन्हें भरा लेना चाहिए। अगर 15 फरवरी तक ये पोस्ट प्रेफरेंस भरा लेते हैं तो आप ये मान के चलो कि फरवरी लास्ट तक जो है आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये पोस्ट प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। जितना जल्दी ये पोस्ट प्रेफरेंस भराएंगे उसके बाद आप ये मान के चलो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन के अंदर आपका पोस्ट प्रेफरेंस भराने के बाद 10 दिन मैक्सिमम 10 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। हो सकता है एक वीक में ही रिजल्ट, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस भराने के एक वीक के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। लेकिन सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करेंगी, पोस्ट प्रेफरेंस पे। अगर ये पोस्ट प्रेफरेंस और डिले करेंगे तो इसमें हो सकता है और ज़्यादा टाइम लग जाए। बाकी ये उम्मीद है कि 15 फरवरी तक ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपसे भरा लेंगे और फरवरी लास्ट तक आपको जो रिजल्ट है अपना फाइनल जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।